दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो टॉपिक के बारे में, एक कंट्री के बारे में, एक कंट्री का वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। वो कंट्री है मालदीव्स या मालदीव्स, या कई कई आदमी ने उसको मालदीव्स भी बोलते हैं। जो भी है, ये मालदीव्स के बारे में आप बात करेंगे। ये मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि जी दादा आप वो मालदीव्स का वर्क परमिट कैसे मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाकर हम लोगों को भेजिए। हम लोग भी देखना चाहते हैं मालदीव का वर्क परमिट कैसे मिलता है और हम लोग कैसे वो मालदीव का वीज़ा गेट कर सकते हैं, मतलब वर्क परमिट वीज़ा। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया इस मालदीव के बारे में, बहुत कुछ रिसर्च किया इसका वर्क परमिट के बारे में, इसका बिजनेस वीज़ा के बारे में और इसका टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो चलिए आपको ये सारा डिटेल्स शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जब गूगल में सर्च कर रहा था मालदीव्स वीज़ा के बारे में, तो मुझे कई सारा चीज़ें नज़र आई। मुझे बहुत सारा आर्टिकल मिला वो रिगार्डिंग मालदीव वर्क परमिट के, वर्क परमिट वीज़ा। मैंने बहुत कुछ उसमें देखा, बहुत कुछ सीखा और मैंने इसका यूट्यूब में भी सर्च किया मालदीव वर्क परमिट के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें मेरे आज सामने आया, तो आप लोगों को मैं देखा था उसका कोई प्रूफ वो किया था। तो दोस्तों पहले मैं आपको आप लोगों को बोलूँगा कि मालदीव्स का जो वर्क परमिट है वो इंडियन के लिए बंद हो चुका है। मतलब मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडियंस को अभी वर्क परमिट नहीं दे रहा है। ये लास्ट वन ईयर की लास्ट टू ईयर्स हो गया इंडियंस को वर्क परमिट नहीं मिल रहा है। जो जनरल हेल्पर कैटेगरी है, जो जनरल लेबर कैटेगरी है, मैं उसका बारे में बात कर रहा हूँ। जो हाई स्किल कैटेगरी है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल लेबर और हेल्पर कैटेगरी है, जो रेस्टोरेंट में काम करता है, जो लोग होटल में काम करते हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं उन लोगों को बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, उन लोगों को वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिल रहा है। जनरल हेल्पर कैटेगरी का कोई, मतलब लेबर कैटेगरी का कोई वीज़ा मालदीव्स का नहीं मिल रहा है इंडियन को, ये बंद हो चुका है। ये इंडिया एंड मालदीव्स के दोनों गवर्नमेंट के बीच कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई रिश्ता का खराबी हुई है, इसलिए वो वर्क परमिट अभी मालदीव इशू करना बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद न्यूज़पेपर बोल रहा है, बहुत सारा आर्टिकल्स मेरे पास है। मैं आप लोगों को ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा वो क्या क्या है, आप लोग उसको रीड कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग जाँच कर लीजिए। मालदीव्स का वर्क परमिट इंडियन को नहीं मिल रहा है दोस्तों। बाकी सारा कंट्री का मुझे पता नहीं, ना कोई बांग्लादेश के बारे में पता है, ना नेपाली के बारे में पता है, लेकिन ये मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, इंडियन को वर्क परमिट वीज़ा नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों और एक बात बोलूँगा, ये अभी मार्केट में बहुत सारा फेक काम चल रहा है मालदीव्स के बारे में। बहुत सारा मार्केट में फेक काम चल रहा है, बहुत सारा ऐसा एजेंसी है जिन लोगों ने ऐड डाल रखा है फेसबुक में, नहीं तो यूट्यूब में, नहीं तो व्हाट्सएप में, कि मालदीव में वो लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, मालदीव्स का 2 ईयर्स वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, मैंने खुद देखा है, मैंने यूट्यूब सर्च किया है कि वो लोग वर्क परमिट वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं मालदीव्स का, लेकिन ये पूरा फेक है। वो फेक वीज़ा दिखा रहा है, फेक वीज़ा आदमी को दे रहा है और उसके रिगार्डिंग वो पैसा ले रहा है। ये सारा कुछ मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए वो स्क्रीन शॉट में। दोस्तों आप देख रहे हैं वो स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो मैंने यूट्यूब में सर्च किया था वर्क परमिट के बारे में। इसमें बहुत सारा कंपनी ने या बहुत सारा फेक एजेंट ने ऐड डाल रखा है कि वो बहुत सारा जॉब प्रोवाइड करेंगे, सैलरी होगा 400 से 1000 डॉलर तक। इसमें सारा वीडियो मैंने चेक कर लिया और जो गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है वो सारा कुछ चेक करा। और राइट साइड में आपको मैं बहुत दिखा रहा हूँ, वही जो फेसबुक वाला जो पेज है
वो पेज में बहुत सारा फेक एजेंट ने वो ऐड डाल रखा है। और दोस्तों आपको ये न्यूज़पेपर मैं देखा रहा हूँ, मालदीव्स गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है, इंडियन गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर में साफ क्लियर करके लिखा है कि अभी मालदीव्स गवर्नमेंट ने इंडियन के लिए वो वीज़ा बंद कर दिया है, वर्क परमिट वीज़ा। तो दोस्तों आप किसी फेक एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, आप सीधा गूगल सर्च कीजिए, ऑनलाइन चेक कर लिए, आपको खुद पता चल जाएगा मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों इस वीडियो बहुत सारे एजेंट के पास पहुँचेगा, फेक एजेंट के पास पहुँचेगा और वो बहुत सारा मुझे गालियाँ भी देगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, ठीक है, फेक एजेंट अगर कोई गालियाँ दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो सही आदमी है, जो अच्छा एजेंट है, वो अगर दो अच्छा बातें कहेगा और मेरे को ये कमेंट में लिखेगा तो मुझे अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है आप लोगों को तो आप लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों जैसा बहुत सारा क्लाइंट है जिन्होंने वो फेक एजेंट के चक्कर में मत पड़ेगा। अगर इस वीडियो बहुत सारा आदमी के पास पहुँचेगा तो वो भी बच जाएगा ये जो फेक एजेंट का जो गैंग है इन लोगों के हाथों से, और उन लोगों को पैसे भी बच जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास में जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि मेरा जो नया वाला वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।